हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस अलग अलग टाइम के शेयर करने वाली हूँ। जब मम्मी पापा यहाँ आए थे तब से लेकर जब तक वो गए तब तक के सारे वीडियोस। अभी तो मम्मी पापा इंडिया वापस जा चुके हैं, बट क्या हुआ ना कि मैंने ना बहुत सारी जगह छोटे छोटे वीडियोस लिए बट सभी को अपलोड नहीं किया, क्योंकि वीडियोस इतने बड़े भी नहीं थे कि उनके लिए एक सेपरेट पूरा अलग से वीडियो बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आप सबके साथ वो सारी यादें मेमोरी शेयर करूँगी जो हम सब लोगों ने यहाँ पर इंजॉय की। तो ये वीडियो तब का है जब मम्मी पापा रिसेंटली यहाँ पर आए हुए थे, मतलब बिल्कुल आने के तुरंत बाद का है। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने बारबेक्यू पार्टी प्लान की थी। वो क्रोएशियन फ्रेंड्स ही हैं इसलिए उन्होंने बारबेक्यू पार्टी प्लान की थी। और ये है क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पर अभिषेक, मैं, सब लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो बस वहीं पर हमने बारबेक्यू पार्टी प्लान की, मतलब उन लोगों ने सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था और काफ़ी अच्छा लगा मम्मी पापा को। उस टाइम पर ठंड सी थी, यहाँ पर अप्रैल की ये क्लिप है, तो उस टाइम पर हल्की हल्की सी ठंड थी। और यहाँ पर देखिए बारबेक्यू की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी गेम्स वगैरह थे, जैसे ड्राइंग के लिए पेपर्स शीट्स थी और इसके अलावा कलर्स थे। बाकी बच्चे जो खेलना चाह रहे थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे ड्राइंग कर रहे थे। तो इस तरीके से बच्चे भी ऑक्यूपाइड थे और मम्मी पापा को तंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि फैमिलीज थी तो बच्चे तो थे ही छोटे छोटे बहुत सारे। तो इस तरीके से हम लोगों ने उस दिन काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। हल्की हल्की सी धूप निकल आई थी और ये देखिए सभी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर है वीडियो तब का जब अभी तक चेस कंपटीशन में गया था। एक्चुअली अभी तक चेस क्लासेस लिया करता था और जब लास्ट होता है ना किसी भी लाइक सेशन का, तब इस तरीके के गेम्स होते हैं। तो अभी तक को मेडल मिला था, उसने 5 गेम्स में से 3 गेम्स मेरे ख्याल से उसने जीते थे, तो उसको मेडल मिला था। आई गेस मेडल तो सभी बच्चों को मिला था, बट हाँ यहाँ पर। और यहाँ पर अभी तक क्योंकि स्विमिंग क्लास जाता था तो सारी क्लासेस जब एंड होती है ना, तो उसके बाद एक बच्चों का कॉम्पिटिशन टाइप का, और कहना चाहिए पेरेंट्स को दिखाया जाता है कि बच्चों ने क्या इम्प्रूवमेंट की है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्विमिंग पूल वाले एरिया में हैं और ये पूल ओलंपिक पूल है, काफ़ी डीप है। तो यहाँ पर सारे बच्चे अभी स्विम करेंगे और बस इसके बाद उन सबको मेडल मिलेगा। तो बेसिकली 1 ईयर कंप्लीट हो गया है सभी चीज़ों का, चेस का, स्विमिंग का, रोबोटिक्स का, जितनी भी एक्स्ट्रा क्लासेस वो किया करता था सभी का। तो यहाँ पर देखिए सारे बच्चे जो जो भी स्विम करके निकल रहे हैं ना, वो फिर यहाँ से जा रहे हैं। और काफ़ी सारे बच्चे थे, काफ़ी सारे पेरेंट्स थे और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स को दिखाने को मिल रहा था कि हम देखो कितना अच्छा स्विम कर लेते हैं। और यहाँ पर ये अभी तक स्विम करता हुआ, तो इस बार अभी तक की स्विमिंग में ना काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। लाइक अभी तक जा रहा है 2023 फरवरी से स्विमिंग क्लासेस, और लास्ट ईयर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट था क्योंकि लाइक फोर फाइव मंथ्स के लिए ही गया था, बट इस पूरे ईयर ये कंटिन्यूसली गया है और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। अभी तक का कोच भी कह रहा था कि उसने काफ़ी इंप्रूव किया है। और जहाँ पर सारे बच्चे स्विम कर रहे हैं, ये ओलंपिक पूल है, काफ़ी ज़्यादा डीप वाटर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप वाटर था और अभी तक लोग काफ़ी अच्छे से स्विम कर रहे थे। तो हमने प्लान किया है कि अभी हम इसको 1-2 साल और स्विमिंग प्रॉपरली सिखाएंगे ताकि इसको अच्छे से आने लग जाए स्विमिंग, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, सी वगैरह में स्विम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इसे आ गई है प्रॉपर स्विमिंग। लेकिन स्विमिंग में भी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं जो अभी इसे और लर्न करनी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे सारे स्विम कर करके निकल रहे हैं और उनको गिफ्ट मिल रहा है।
तो स्विमिंग करने के बाद भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है ना बच्चों को। बच्चों को तो गिफ्ट वगैरह एक उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कुछ भी करने का। तो यहाँ मेडल गिफ्ट वगैरह मिलते हैं ना बच्चों को, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो अभी देखो, देखिएगा अभी आएगा तो सबसे पहले वो अपना गिफ्ट दिखाएगा। ये देखिए अभी तक दौड़ता हुआ आ रहा है और सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को गिफ्ट शो कर रहे हैं। तो मतलब बच्चे सारे सेम ही होते हैं। ये देखिए अभी तक मिला हुआ है ये। इसके अंदर बहुत सारी टॉफ़ीज़ और छोटे मोटे टॉयज थे, की रिंग वगैरह थी। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पर अपने पेरेंट्स को स्विम करके दिखाया, और यहाँ पर ये अभी तक का फ्रेंड है उसको अभी तक दिखा रहा है कि गिफ्ट क्या मिला। और यहाँ पर क्लिप है उस दिन की जब मम्मी पापा अभिषेक सब तीनों लोग बैठे हुए थे बालकनी में और बातें कर रहे थे। तो बस हम मैंने एक छोटी सी क्लिप बना ली थी। ये मेमोरीज हो जाती है ना कि हाँ हम लोग इस तरीके से बैठे थे वहाँ पर उस दिन बातें कर रहे थे। और एक दिन यहाँ पर ना लाइव म्यूज़िक शो था, कॉन्सर्ट था, तो वहाँ पर हम गए थे और काफ़ी ज़्यादा रश था। यहाँ का जो नेशनल थिएटर है वहाँ पर और काफ़ी रश था, तो बिल्कुल करीब से तो हम नहीं देख पाए, बट हाँ काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी लगी हुई थी तो उसमें नज़र आ रहा था अच्छे से। तो ये भी एक न्यू एक्सपीरियंस था मम्मी पापा के लिए। जून में अभी तक के समर ब्रेक्स शुरू हो गए थे ना 22 जून से, तो अभी तक पूरे टाइम फ्रेंड्स के साथ खेला करता था। और यहाँ पर हम गए थे सिटी सेंटर मॉल, वहाँ पर हमने खाया था बकलावा। तो मम्मी पापा को हमें यहाँ का जो स्वीट डिश है ना वो ट्राई कराना था, बेसिकली यहाँ का डेजर्ट। तो हम लोगों ने बकलावा खाया, और बकलावा ना बालूशाही जैसा लगता है कुछ कुछ, बस उसमें फिलिंग होती है। तो मम्मी पापा को पसंद आया। इसके ऊपर रखना पड़ेगा, ये कर लो उसमें पापा का, इसमें रख देंगे तो इसके ऊपर पापा काजू या पिस्ता, ये वाला काजू या पिस्ता, काजू है, ये वाला काजू है ना। हाँ तोड़ने की हिम्मत करेंगे कि पूरा खा लेंगे आप? नहीं पूरा खा लेंगे, मेरे ख्याल से टेस्टी है ये तो, खा ले। अच्छा आधा दे दीजिए, मैं बहुत चटनीला है, एक के ऊपर रखिए ना पूरे सारे खाने का। ये आधा अभी तक दे दीजिए, ठीक है अभी तक आप मम्मी आप खाइए पिस्ता शो पिस्ता शो आप खा लीजिए, सोचते हैं आप खाइए मम्मी ऐसे ही, मम्मी मिठाई जैसे लेके खाइए। और यहाँ पर क्लिप है मदर्स डे की, तो मदर्स डे में हम लोगों ने बुंदे एक पार्क में गेट टुगेदर किया था। वहाँ पर
केक वगैरह भी कट किया था। तो ये केक मेरी फ्रेंड अखिला बना के लेकर आई थी, और हम लोग ने काफ़ी सारे स्नैक्स प्रिपेयर किए थे और कई सारे बाय भी किए थे। तो बहुत सारे स्नैक्स तो सब लोग मतलब लाइक एक एक स्नैक्स प्रिपेयर करके लाए थे, तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्नैक्स हो गए थे। यहाँ पर केक कटिंग वगैरह हुई और सच में बहुत मज़ा आया। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि सेंटर में उनको बैठा के हम लोगों ने केक कटवाया और सारे बच्चे उनके बगल में बैठे हुए थे। तो टेक्निकली इट्स अ ग्रैंड मदर्स डे देन, राइट? मिस डैड, पापा, मम्मा को एक, डैड को भी एक। Really nice. Ma. अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे गेम्स भी प्लान किए थे हम सब ने। बेसिकली मेरी फ्रेंड्स ने ये सारे गेम्स प्लान किए थे और सीरियसली इन गेम्स में ना बहुत मज़ा आया। और गेम्स कुछ नहीं थे, हमने इन्हें क्या बताया था कि सामने आपके ना बॉटल्स रखी हुई हैं, उन्हें टच किए बिना आपको ये पूरा एरिया क्रॉस करना है। और बेसिकली हमने उन लोगों को मामू बनाया था क्योंकि बॉटल्स थी नहीं सामने, और इन लोग बड़े आराम आराम से निकल रहे थे, कहीं बॉटल टच ना हो जाए, कहीं बॉटल टच ना हो जाए। और वो देख के ना बड़ा मज़ा आ रहा था, देखिए सभी लोग इस तरीके से निकल रहे हैं ना कि कहीं बॉटल टच ना हो जाए। और हमें ना सारी वाइफ्स को ना गाइड करना था कि कहीं पर यहाँ पर बॉटल है, पैर आगे रखो, इधर से निकलो। तो देखिए अभिषेक को देखिए, वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए निकल रहा है, एक एक पैर आगे बढ़ा रहा है बिल्कुल ऐसे कि ये सारी बॉटल क्रॉस किए ले रहा है। और सीरियसली ये बहुत कॉमेडी था, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर बैठ के फिर हमने एक और गेम खेला, उसमें भी काफ़ी मज़ा आई। बेसिकली ट्रूथ एंड डेयर टाइप का था, तो जिसका भी टर्न आ रहा था उसको एक टास्क दिया जा रहा था। तो अभी देखो टास्क मिला था मुझे प्रपोज करने का। रेडी, मैं कैमरा मैन रेडी। विल यू बी माय वुमन? यस। एंड विल यू मैरी मी? उसके बाद किस भी करना पड़ेगा ना। ये उसका गॉट अ फ्रेंड। लास्ट में हम सब लोगों ने एक ग्रुप फोटो ली और सच में उस दिन बहुत मजा आया था। मम्मी बैठी हुई हैं बाती बनाते जो जा रही हैं बहू के लिए। यहाँ पापा बैठे हुए हैं और यहाँ पर सूटकेस वगैरह लगने लग गए हैं क्योंकि जाने की तैयारी हो रही है। पतिदेव किसी से बात कर रहे हैं और अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि गंदा दिख रहा है। अभी तो खेलने की तैयारी में हैं, बिल्कुल ही लल्लू छाप बन के जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी टी शर्ट को आउट कर लो बेबी। ओके। और उसको तो थोड़ा सा टाई किया करो ना। ओके। ओके बेबी, तुम हैप्पी हो इंडिया जा रहे हो तो? बहुत ज्यादा हो क्या? न्यू शूज? हाँ, न्यू शूज। दादी बाबा जी ने दिए थे। अरे वाह, चलो जाओ खेल के। बाय। सबके लिए गिफ्ट देके जा। क्या गिफ्ट लेके जा रहे हो तुम? चॉकलेट, मिस्टर बीस चॉकलेट। मिस्टर बीस चॉकलेट, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट चॉकलेट? फीस्टेबल्स। फीस्टेबल्स। और इसके अलावा टाकीज लेना। टाकीज, बहुत सारे गेम्स। टाकीज, हाँ मतलब, हाँ इधर सामने तो डार्ट लिया है, आपको दिखा सकता हूँ। डार्ट,
ये हाइलाइटर्स, क्योंकि मेरे कजन किशु दाना को ड्राइंग बहुत पसंद है। ओके, और ये है डार्ट। हम लोग को मैं और मेरा कजन इसके कंपटीशन करेंगे। ये करेंगे हाँ, ये है पसंद। ये देखिए 101 गेम्स, बहुत सारे गेम्स हैं इसके अंदर। आई गेस इसके अंदर चेस भी है, कैरम भी है, और समथिंग डिफरेंट लूडो भी है ना, बहुत सारे गेम्स हैं। स्नेक एंड लैडर भी है, देयर आर मेनी गेम्स इनसाइड दैट। मस्ती की तैयारी है। हाँ, पूरी मस्ती की तैयारी है। ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। द नेक्स्ट डे यहाँ पर मम्मी पापा निकल रहे हैं अर्ली मॉर्निंग की, उनकी मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं, उनकी 9 बजे की फ्लाइट थी, तो यहाँ पर 6 बजे करीब उनके निकल जाना था एयरपोर्ट के लिए। मम्मी पापा अभिषेक अभ्युदय ये चारों लोग इंडिया चले गए हैं। इस बार मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मैंने अभी न्यू जॉब ज्वाइन किया रिसेंटली, लाइक रिसेंटली 4-5 मंथ्स हो गए हैं। मेरी भी छुट्टियाँ हैं अगस्त में 15-16 डेज की, बट 16 डेज इतने इनफ नहीं है इंडिया के लिए, तो मैंने सोचा चलो अभी नहीं, विंटर्स में चली जाऊँगी। और यही सोचते हुए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सबको जाने देते हैं, हमारा VIP है। थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं जाते जाते लोगों की, मैं मतलब बस मुझे रोना आने ही वाला था, क्योंकि पहली बार मैं इस तरीके से बिल्कुल अकेली रह रही हूँ। तो मैं ना जब लास्ट में सब लोग चले गए ना, तो लिटरली मैं ना सर झुका के आगे बढ़ने लगी, मैंने गाड़ी की तरफ देखा भी नहीं, और लिटरली मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, जितनी घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे ही रहूँगी सबके लिए ना, क्योंकि एकदम से घर बिल्कुल खाली हो गया ना, सभी लोग थे और फिर सब चले गए। बट ठीक है, चलो अच्छी बात है, वो लोग वहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी चीज़ ये है। और अभी तक को थोड़ा सा समर ब्रेक्स में सबसे मिलने को मिला। ये वाली आवाज़ तो मॉर्निंग में बिल्कुल ऐसी ही आती है जैसे कि वो गांव वगैरह में होती है। बैग्स कितने सारे हैं? बिल्ली अभी तक शर्मा रहा है, पता है आज है ना? रुक जाइए पापा, ये बैठा देंगे आपको, ये लीजिए लैपटॉप बैग। हाँ तो चलो हम ही लेके ऑफिस चले गए अपने। ओके, मैगी खाएंगे जब महीने 15 बार जानती है, हम तो सोचे ही खा रहे, तो बच्चे 4 दिन चलाएंगे। पापा वो बैठे की जाते जाते अरे राव राव ए बाय नो नो दैट्स जस्ट डन। नई मछली सिद्ध गणेश, तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।